आज 24 अगस्त 2022, आज की मुरली के ऊपर मेडिटेशन। अपने आप को हल्का छोड़ देंगे, सिर से लेकर पाँव के अंगूठे तक संपूर्ण शरीर बिल्कुल हल्का रिलैक्स। ध्यान दो आंखों के बीच में, स्वयं को अनुभव करेंगे कि मैं मस्तक मणि हूँ, परम पवित्र हूँ। इस शरीर रूपी मंदिर में मैं एक दिव्य ज्योति हूँ, पवित्रता के सागर के संतान हूँ, आदि अनादि पवित्र हूँ। देखेंगे स्वयं को कि जैसे महाज्योति शिव बाबा परम धाम में पवित्रता का सागर है, वैसे मैं आत्मा भी उस महाज्योति शिव बाबा के समान अत्यंत तेजस्वी परम पवित्र हूँ। पवित्रता के सागर से पवित्रता का प्रकाश मेरे अंदर प्रवेश कर रहा है। मैं महसूस कर रहा हूँ पवित्रता ही सुख शांति की जननी है। पवित्र रहना मेरे लिए सहज है, मुझे पवित्रता बहुत अच्छी लगती है। मैं आत्मा पवित्रता का आनंद ले रही हूँ। जितनी जितनी पवित्रता मेरे अंदर धारण हो रही है, उतने मेरे बंधन समाप्त होते जा रहे हैं, मेरे विघ्न समाप्त होते जा रहे हैं। मैंने निश्चय कर लिया, जब तक जीना है पवित्रता का व्रत जरूर रखना है। चाहे कुछ भी हो जाए, मैं अपनी पवित्रता को नहीं छोड़ूंगी। बाबा की पढ़ाई अच्छी तरह से पढ़कर औरों को पढ़ाने में मुझे बहुत खुशी होती है। हर कर्म में कर्म और योग का मैं बैलेंस रखने वाली कर्म योगी महान आत्मा हूँ। श्रेष्ठ स्मृति, श्रेष्ठ स्थिति और श्रेष्ठ वायुमंडल बनाने के लिए निमित्त हूँ और दुआओं की अधिकारी आत्मा हूँ। जो भी आत्मा मेरे संबंध संपर्क में आती है, उन सब से मुझे ऑटोमेटिकली दुआएं प्राप्त होती है। इसलिए सफलता मेरा ईश्वरीय जन्म सिद्ध अधिकार है। मैं हमेशा खुश रहने वाली और खुशियों का खजाना बांटने वाली सच्ची सच्ची सेवादारी हूँ। मुझे बहुत हल्का लग रहा है, मैं शांत हूँ, प्रसन्न हूँ। ओम शांति शांति शांति। सर्वशक्तिवान बाप हमेशा मेरे साथ है। बाप दादा ने अपना वरदानी हाथ मेरे सिर के ऊपर रखा है और बाप दादा मुझे दृष्टि दे रहे और कह रहे कि बच्चे तुम मेरे हो, तुम पवित्रता के सागर के संतान, आदि अनादि पवित्र हो। तुम्हारी पवित्रता से ही सारे सृष्टि का कल्याण हो रहा है। तुमने कल्प कल्प संपूर्ण पवित्रता को धारण करके विश्व को पावन बनाया है। परमात्मा प्यार को दिन में धारण किया है। कमल पुष्प समान श्रेष्ठ जीवन जिया है। ईश्वरीय पढ़ाई को अच्छी तरह से पढ़ा है और औरों को भी पढ़ाया है। तुम दुआओं के अधिकारी आत्मा हो, क्योंकि तुमने कर्म और योग का अच्छा बैलेंस रखा है।
अपनी श्रेष्ठ स्मृति और स्थिति के द्वारा श्रेष्ठ वायुमंडल बनाने के निमित्त हो। बाप और ब्राह्मण परिवार की और सभी की दुआएं प्राप्त होने के कारण तुम हमेशा खुश रहने वाले और खुशियों का खजाना बांटने वाले सच्चे सच्चे सेवाधारी हो। मेरी सर्व शक्तियां हमेशा तुम्हारे साथ है, इसलिए तुम्हारी विजय निश्चित है। बाबा से दुआएं, वरदान और आशीर्वाद प्राप्त करके मैं आत्मा बहुत ही खुशी का अनुभव कर रही हूँ। बाबा को दिल से धन्यवाद दे रही हूँ। मेरा बाबा, मीठा बाबा, प्यारा बाबा और दुलारा बाबा, सच्चा बाबा और अच्छा बाबा, दयालु बाबा, कृपालु बाबा, वाह बाबा, शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। अच्छा, ओम शांति।